अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और आज का व्लॉग होने वाला है बहरिया टाउन कराची के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या तफरीही मकामात उन्होंने बनाए हुए हैं सबके लिए। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो जनाब, ये है कराची टूल प्लाज़ा, जहाँ पे कराची में आने वाली और जाने वाली तमाम व्हीकल्स का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। और इससे आगे हमें थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिला था। ट्रैफिक जाम के बाद जो है आ जाता है जहाँ बहरिया में एंटर होते हैं, तो वहाँ की अलग एक चेक पोस्ट है और वहाँ पे वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन कराची बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर आप कभी विज़िट करें तो आप देखेंगे कि अंदर जाके बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं। पाकिस्तान हमारा वैसे ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और बहरिया जो बनाया हुआ है वो बिल्कुल दुबई की बिल्डिंग्स के तर्ज पे बनाया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो कि आपकी क्या राय होगी ये सब देखने के बाद, लेकिन मैंने जो विज़िट किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम मिनी दुबई में आ गए हैं। लेकिन नो डाउट इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे क्या लगी कि निज़ाम बहुत अच्छा है, सफाई है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसको फॉलो करना लाजमी है यहाँ पे। Now we are traveling all the way to the Adventureland of बहरिया। यहाँ की Adventureland जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे आके टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ये कि जब भी आप Adventureland के लिए निकलें तो थोड़ा अर्ली निकलें ताकि आप सही से इंजॉय कर सकें। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे एडवेंचरलैंड की राइड्स जो हैं वो बहुत ख़तरनाक लगी थी। बाकी सबको तो जाहिर है उनका अपना एक्सपीरियंस है। हमारी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत इंजॉय किया क्योंकि वो राइड्स वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ तो मुझे बहुत डर लगा था यहाँ पर। बहरिया टाउन की जो एडवेंचरलैंड की पार्किंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत और बड़ी है। इजीली वहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। सनसेट का मंजर था यहाँ पे, उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया था। और ये है एंट्रेंस। ये बताती चलूँ कि यहाँ के चार्जेस क्या हैं जब आप यहाँ पे एंटर होंगे। तो एडल्ट्स के लिए 2000 पर पर्सन है और 1500 पर चाइल्ड। तो इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं लगा क्योंकि अंदर जाके जितना आप इंजॉय करते हैं ना तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट है।
यहाँ से स्टार्ट होता है एडवेंचर लैंड ऑफ बहरिया। कार्टून कैरेक्टर्स सामने खड़े हुए थे, सिटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गाइड करने के लिए आपको बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कौन से एरिया में आप खड़े हैं या कहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पे इंटर होंगे तो आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मैप जो है वो दिया हुआ है कि आप कहीं भी खो नहीं सकते हैं, बल्कि ईजीली आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है कौन से एरिया में आप जाना चाह रहे हैं, तो वो तमाम ट्रेवल गाइड जो है ना वो आपको दी भी जाती है और यहाँ पे मेंशन भी हुआ हुआ है सब कुछ, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक द गार्डन एरिया एंड फ्लावर्स, तो यहाँ पे जो मैंने देखा था कि उन्होंने जिस तरह से सारी चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है ना, फ्लावर्स वगैरह, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राइड्स आपको बहरिया में ऐसी मिलेंगी कि जिस पर बैठ के आपको पूरा बहरिया आराम से नजर आएगा। और ये राइड है बहरिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक राइड, मुझे ये लगा था, बट मेरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया था।
ये राइड भी ऐसी राइड्स में आती है जिसपे बैठ के आप आसानी पूरे बहरिया को देख सकते हैं, लेकिन ये राइड लेना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है, तो मैं तो नहीं बैठी थी, लेकिन हाँ तमाम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे इसे। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा एरिया है, डायनासोर वर्ल्ड था और यहाँ पे तमाम जितने भी डायनासोर्स हैं उसकी स्टैचू तो हैं ही, साथ में उसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि हिस्ट्री भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि कौन सा डायनासोर कहाँ पे था और कब तक था, उसकी लाइफ कितनी थी, कितने टाइम तक वो ज़िंदा रहा और उसके बाद जो है उसके साथ क्या हुआ, तो विद स्ट्रक्चर उसकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन की हुई है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह के डायनासोर है उसी के हिसाब से उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। रात में मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि लाइट का जो इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है बहुत ही अच्छा किया हुआ है, एक प्रॉपर मैनर में है कि एक खूबसूरती नज़र आ रही है। उसके बाद हमने क्या किया कि हम बैठ गए थे ट्रेन में, और ट्रेन जो है यहाँ की ऐसी है कि वो पूरे बहरिया का राउंड आपको ईजीली दे देती है, तो जो है वहाँ पे बैठ के आप समझे पूरे बहरिया आराम से घूम लेते हैं, तो हमने भी बैठ के यहाँ से तमाम बहरिया जो है आराम से देख लिया था।
और ये है मेरी फेवरेट राइड, मुझे ये वाली राइड बहुत पसंद है और मैंने आराम से इस राइड पे जो है ना बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इस सब के बाद हमारा था वापसी का सफ़र और 11 बजे की टाइमिंग होती है कि ये बहरिया जो है बंद हो जाता है और तमाम लाइट्स वगैरह भी ऑफ हो गई थी, तो उसके बाद हमने अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। बहरिया का गेट और उसके बाद जो है यहाँ से आगे जो इसका अंडर बाईपास बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जनाब उसके बाद ये है बहरिया का अंडर बाईपास, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, निहायत ही साफ सुथरा और अच्छा एरिया है। सारे दिन की पिकनिक के बाद अब हमारा था वापसी का सफ़र। मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।